कहानी शुरू होती है एंड वाई नरेटिंग द स्टोरी आई विल रीड अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेट दम इन टू हिंदी फॉर योर कन्वीनियंस फ्यू डिफिकल्ट वर्ड ऑल्सो आई टेक अप बट नॉट ऑल एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल हैव फ्यू अदर रिमेनिंग वर्ड्स वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द वर्ड्स नंबर वन you have to learn those words that you find are useful for your day to day life that are useful for you in communication number 2 while learning these words you also have to understand the meaning in the context of the in, in some context kis sambandh mein is shabd ka kya ye hai शब्दों के अर्थ हिंदी में भी अलग अलग रहते हैं एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं ऐसे अंग्रेजी में भी एक ही शब्द के कई अर्थ हैं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड आई मीन मैनी ऑफ दीज वर्ड दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन context टू something. Notice these दीज एक्सप्रेशन इन द Infer इन फॉर देयर मीनिंग्स context. द कंटेक्स लुक एट द इवन द राइटर ऑफ दिस स्टोरी She says right at the beginning, infer their meanings from the context. Infer karna matlab? Arth nikalna. Meaning nikalna. Inference. Iska inference kya hua arthat? Inference matlab arthat. So find out. Infer their meanings from the context. Context se jod karuska arth nikale. Which are these words? One is anecdote. एनेकडोट मतलब एक होता है सामान्य शब्दों में एनेकडोट मतलब एक व्यंग जोक एक जोक कॉल्ड जोकॉल्डोट किस्सा छोटा सा किस्से को एनेक्डोट बोलते हैं यहां पे क्या मीनिंग है इसको हम समझेंगे दूसरा डेलिकेट रियलिज्म डेलिकेट बहुत सॉफ्ट बहुत आ, हुनर के साथ बना हुआ डेलिकेट रियलिज्म तीसरा है फिगरेटिव पेंटिंग व्हाट इज फिगरेटिव पेंटिंग फिगर से बना है फिगरेटिव फिगर मतलब चित्र जिसकी आउटलाइन दी हुई हो सीमाएं रेखाएं बनी हुई हो फिगरेटिव पेंटिंग ऐसी पेंटिंग जिसमें फिगर्स बने इल्यूजनिस्ट लाइकनेस इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इल्यूजन मतलब क्या होता भ्रम इल्यूजन मतलब भ्रम इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मतलब भ्रम होने जैसा क्या भ्रम कैसा भ्रम यह हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्चुअल स्पेस कॉन्सेप्चुअल स्पेस मतलब जो जो खाली स्थान है उसके बारे में कॉन्सेप्ट उसके बारे में समझ इस पर चर्चा होगी और जब स्पेस की बात होती है So, it's a very, very important part of the story that there is nothing called empty space. Everything that you see and any place that you see is empty is actually not empty. It does contain something. Through that philosophy, also, through that idea, also, the writer wants to tell you something that will proceed in the next. So here starts the story. A wonderful tale, old tale, is told about the painter Wu Daozi. The name of the painter is Wu Daozi. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in 8th century. Shatabdi Wu China His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor. जुआन जोंग चीन में चैंग डायनेस्टी जो थी तैंग डायनेस्टी के जो शासक थे राजा थे सम्राट थे जुआन डोंग उन्होंने दाऊजी जी को आदेश दिया था कमीशन करना मतलब उसको बनाने का आदेश देना कि एक पेंटिंग बनाओ हिज लास्ट पेंटिंग वॉज लैंडस्केप कमीशन बाय जैंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल इस एम्पर ने दाऊजी को आदेश दिया था कि मेरे पैलेस के मेरे जो महल है महल की दीवार पर एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनाओ लैंडस्केप का अर्थ मैं बता चुका हूँ आपको पूर्व में एक भू संरचना के साथ जिसमें नदी हो नाले हो पेड़ हो पगडंडियाँ हो और पहाड़ हो छोटे छोटे पर्वत हो आदि आदि सूरज चंद्रमा का दृश्य हो ऐसा एक लैंडस्केप बनाओ टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल सजावट के लिए मेरे महल के एक दीवार को सजाओ अपनी एक पेंटिंग से और याद रखें दिस वॉज द लास्ट पेंटिंग दाऊ जी की आखिरी पेंटिंग साबित होती है द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली द एम्पर वुड सी इट मास्टर जो है मास्टर मतलब दाउजी पेंटर टू हाइड मतलब छिपाना हाइड हिड हिडन एम्पर के कहने पर मास्टर ने दाऊजी ने पेंटिंग बनाई लैंडस्केप की पेंटिंग और उसे दीवार के पीछे एक स्क्रीन के पीछे उसे छिपा दिया लगा दिया और ऐसा लगाया कि केवल राजा ही उसे देख सकता था behind a screen so that only the emperor could see for a long while the emperor admired the wonderful scene discovering forests high mountains waterfalls clouds floating in immense sky men on the hilly path waterfall and birds in the flight उस पेंटिंग को राजा ने बहुत समय तक उसको एडमायर किया एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना बहुत समय तक द एम्पर एडमायर द वंडरफुल सीन एस सी ई एन ई सीन माने दृश्य उस पेंटिंग में जो लैंडस्केप की पेंटिंग थी उसमें जो दृश्य थे उसको देखकर राजा बहुत समय तक उसको एडमायर करते रहा प्रशंसा करते रहा और उसमें क्या क्या था यहां पूरा विस्तार से लिखा हुआ है डिस्कवरिंग फॉरेस्ट जंगल बने हुए थे डिस्कवर मैंने खोजना नहीं खोजनी पुरानी चीज को खोजना जंगलों के अंदर जा जा के रास्ते ऐसा वो पेंटिंग में बना हुआ था चित्र हाई माउंटेन बने हुए थे उसके अलावा वाटरफॉल था वाटरफॉल माने झरना क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई बादल बने हुए थे जो बहुत विशाल आकाश में फ्लोट कर रहे थे बह रहे थे फ्लोट करना मतलब आ, सतही रूप से बहना फैर मैन ऑन हिली पाथ पहाड़ों की जो पगडंडियाँ थीं उस पे आदमी लोग चलते हुए दिख रहे थे बर्ड्स इन फ्लाइट फ्लाइट मतलब उड़ते हुए इसीलिए प्लेन के उड़ान को भी फ्लाइट बोलते हैं मैं चार बजे की फ्लाइट से बॉम्बे जा रहा हूं टू फ्लाई मतलब उड़ना और फ्लाइट मतलब उड़ान अर्थात मैं चार बजे की उड़ान से बम्बई जा रहा हूं सो बर्ड्स इन फ्लाइट उड़ती हुई चिड़िया ये सारा दृश्य उस लैंडस्केप पेंटिंग में डाउजी ने बनाया था और उससे राजा बहुत प्रसन्न थे लुक सायर सेट द पेंटर इन दिस केव एट द फूट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट शायर इज वेस्टर्न वे ऑफ सेइंग सर बहुत सम्मान के साथ जब किसी को बोलते हैं तो शायर अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ एस आई आर सर उसने कहा देखिए महोदय ये जो केव दिख रहा है इसमें केव मतलब गुफा एक गुफा जैसा दृश्य भी था उसमें ये गुफा जैसा दृश्य दिख रहा है उसमें और ये जो गुफा है ये पहाड़ के फुट पर है फुट मतलब पहाड़ जहां से शुरू होता है एट द फुट ऑफ द माउंटेन पहाड़ के नीचे Uh, जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वहां पर ये जो केव दिख रहा है वहां एक स्पिरिट रहता है डवेल से स्पिरिट टू ड्वेल मतलब रहना निवास करना टू ड्वेल ड्वेलिंग मतलब निवास स्थान घर दिस इज माई ड्वेलिंग ये मेरा निवास स्थान है टू ड्वेल मने निवास करना सो so, यहां पर एक स्पिरिट निवास करता है स्पिरिट मतलब भूत प्रेत जैसी कोई चीज एक आत्मा निवास करती है ऐसा मास्टर ने कहा पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए और केव की ओर बताते हुए द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन और ऐसा कहते हुए राजा को जो उस पेंटिंग से बड़े खुश थे हु वॉज वेरी हैप्पी विद द पेंटिंग एडमायर्ड इट फॉर मैनी डेज ही सेड देर लिव स्पिरिट यहां पर एक आत्मा रहती है एंड ऐसा कहते हुए देन ही क्लैस्ड हिज हैंड्स क्लैप्ड मतलब ताली बजाना टू क्लैप ही क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू केव ओपनड ताली बजाई और जो गुफा बनी हुई थी उसका जो दरवाजा था वो खुल गया इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट ए पेंटिंग And in the painting, while narrating this, the painter says that if I clapped open. and he clapped, and the door got opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Or darwaza Khula, inside is splendid, splendid, Matlab Shandar. Beyond Matlab Ke Bahar. कल्पना के बाहर शब्दों के बाहर इन, आ, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता अतुलनीय बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे टू कन्वे मतलब सामने कहना आई हैव कन्वेड माई रिस्पेक्ट टू योर फादर आई हैव कन्वेड माई रिस्पेक्ट टू योर मदर मैंने अपना जो आप आपकी मदर को सादर कहा है कन्वे अपने विचार रखना सामने तो आई हैव कन्वेड तो यहां पे क्या हो रहा है कि मास्टर कहता है कि ये पेंटिंग जो है उसके अंदर का जो दृश्य है बड़ा शानदार है और स्प्लेंडेड है और इतना शानदार है कि उसको शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में उसे नहीं बताया जा सकता और फिर ऐसा कहते हुए वो क्या करता है प्लीज लेट मी शो यू मैजेस्टी द वे मजेस्टी मतलब राजाओं को सम्मान में हिज मजेस्टी कहा जाता था जैसे जज को क्या कहते हैं मी लॉर्ड माई लॉर्ड एल ओ आर डी माई लॉर्ड कहते हैं जज को ऐसी राजा को हिज मजेस्टी हर मजेस्टी ग्रैंड मेजेस्टिक मतलब ग्रैंड तो समट उसके लिए शब्द यूज करते हैं मेजेस्टी तो so, कहते हैं मजेस्टी आएल शो यू द वे ऐसा कहते हुए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा ऐसा कहते हुए जो जो दाओजी हैं जो मास्टर पेंटर है वो अंदर चला जाता है द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम ऐसा कहते हुए पेंटर जो है वो केव के अंदर चला जाता है याद रखें मैं एक बड़े पेंटिंग पीस की बात कर रहा हूँ उस पेंटिंग पीस में क्या हो रहा है इसके बारे में बता रहा हूँ सो द पेंटर क्लैप्स द डोर ओपन्स ही सेज इन साइड इज ग्रैंड मेजेस्टिक स्प्लेंडेड आई विल शो यू द वे मैं आपको चलिए दिखाता हूँ ऐसा कहते हुए अंदर घुसता है प्लीज लेट मी शो यू द वे द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज द बिहाइंड हिम और जैसे ही घुसता है दरवाजा बंद हो जाता है क्लोज द बिहाइंड उसके बिहाइंड मैंने पीछे जैसे ही वो अंदर घुसा उसके पीछे क्या होता है दरवाजा बंद हो जाता है एंड बिफोर द एस्टोनिश एम्पर कुर मूव और अटर अवर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल इससे पहले राजा कुछ बोल सके एक शब्द बोल सके जो दीवार से वो पेंटिंग ही गायब हो गई द पेंटर द द बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड एस्टोनिश्ड एस्टोनिश्ड मतलब चकित हो जाना आश्चर्य चकित हो जाना एंड द emperor could कुड मूव और अटर word इससे पहले वो एक शब्द हो, अटर मने बोलना कुछ भुनभुनाना टरिंग समथिंग तुम कुछ बुनभुना रहे हो कुछ बुदबुदा रहे हो कुछ, कुछ बोल रहे हो यू डबल टी आर तो बिफोर ही कुड से एनी थिंग अरे दरवाजा खोलो इससे पहले कुछ कहता वो पेंटिंग ही गायब हो गई इट वैनिश्ड वैनिश होना मतलब गायब हो जाना एस्टॉनिश मतलब चौक चौंकने वाला चौंक जाना द पेंटिंग हैिश फ्रॉम द वॉल दीवाल से पेंटिंग ही गायब हो गई ये एक कल्पना है सोचते जाइए आगे क्या होता है और वो पेंटिंग भी ऐसी गायब होती है कि दीवार में उसका नामो निशान नहीं द पेंटिंग एंड नॉट ए ट्रेस नामो निशान ट्रेस माने चिन्ह इसीलिए बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर कुछ बनाने कुछ लाइन खींचने वाला कागज आर्ट के स्टूडेंट्स और ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स और फिजिक्स के स्टूडेंट ट्रेसिंग पेपर को अच्छी तरह समझते होंगे तो ही सो नॉट ए ट्रेस मतलब किसी तरह का चिन्ह भी नहीं था नॉट ए ट्रेस ऑफ इस पेंटिंग उसके ब्रश का कुछ भी वहां नहीं बचा था ब्रश से उसने इतने, इतने सारे कलर लगाए थे ब्रश से उसने इतने, इतने सारे दृश्य बनाए थे सब गायब हो गए एंड द आर्टिस्ट नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड और जो कलाकार दाउ जी उसके बाद दुनिया में दोबारा नहीं दिखा नेवर सीन कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया एंड दैट इज द रीजन वाई एट द बिगिनिंग आई सेड दिस हिज लास्ट पेंटिंग इट वॉज द लास्ट पेंटिंग दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी नाउ वी मूव टू द सेकेंड सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन सच स्टोरी सच मने ऐसी सच मतलब ऐसी सच स्टोरी मतलब ऐसी कहानियां सच स्टोरी प्लेड इंपॉर्टेंट पार्ट क्लासिकल मतलब परंपरागत चीन की परंपरागत शिक्षा जो थी शिक्षा पद्धति उसका जो कंटेंट था उसमें ऐसी कहानियों की भरमार थी ऐसी कहानियों की भरमार थी और ऐसी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण थी दे आर इंपॉर्टेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट प्ले मतलब खेलना बट प्ले ए पार्ट मतलब रोल अदा करना आई हैव प्लेड माय पार्ट इन दिस ड्रामा मैंने अपना रोल भूमिका अदा कर ली है इस नाटक में टू प्ले मतलब खेलना यहां पर टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब अपनी भूमिका अदा करना तो ये जो क्लासिकल एजुकेशन में ऐसी कहानियाँ चाइना में परंपरागत शिक्षा में ऐसी कहानियाँ बहुत पढ़ाई जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगी आर फुल ऑफ देम चीन के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक दर्शन, हैं दो वन इज़ कन्फ्यूशियस और दूसरे हैं जुआंगी ये दो फ़िलासफ़र दार्शनिक बहुत प्रसिद्ध हैं और जिसमें कन्फ्यूशियस जो है उसने पूरी दुनिया की सभ्यता को प्रभावित किया है कन्फ्यूशियस इज़ वॉट टू चाइना कन्फ्यूशियस इज़ टू चाइना वॉट गौतम बुद्धा इज़ टू इंडिया भारत के लिए जो गौतम बुद्ध को जिस रूप में हम जानते हैं जितना उनको इज्जत सम्मान देते हैं उतना ही चाइना में कन्फ्यूशियस को और दूसरे जो फ़िलासफर हैं जुआंग जी इनकी जो किताबें हैं जोंग जी और कंफ्यूश की इनकी किताबों में ऐसी कहानियां बहुत मिलेंगे, फुल ऑफ देम देम मतलब कहानियाँ ऐसी कहानियां दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिस्साइपल इन द राइट डायरेक्शन ऐसी कहानियाँ जो हैं वो गुरु को गुरु द्वारा अपने शिष्यों को सही दिशा में ले जाने में बहुत मदद करती हैं राइट right डायरेक्शन सही दिशा गाइड मतलब डायरेक्शन देना गाइड करना दिशा निर्देश देना और डिसाइपल मतलब शिष्य ऐसी जो कहानियां हैं वो गुरुओं के द्वारा शिष्यों को सही दिशा में ले जाने में बहुत मदद करती हैं अब कैसे सवाल यह आएगा कि इस तरह की कहानी से आ, क्या शिक्षा मिली बियॉन्ड दोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट एक एनेकडोड एक किस्से के अलावा बियॉन्ड मतलब के बाव के बाहर मैंने आपको पहले भी बताया बियॉन्ड इट इज़ बियॉन्ड माय ड्रीम ये मेरी सपने के बाहर है कि मैं आ, एक आ, सौ एकड़ के पैलेस में रहूँगा इट इज़ बियॉन्ड माय ड्रीम इट इज बियॉन्ड माय रीच ये मेरी पहुँच के बाहर है कि मैं फ्लाइट में जाऊँ या फ्लाइट में बिजनेस क्लास में जाऊं ये मेरी पहुंच के बाहर है अर्थात उसके लिए मैं सक्षम समर्थ नहीं हूं तो so, के बाहर द कार स्टैंडिंग बियॉन्ड द गार्डन गार्डन के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है सो बियॉन्ड दोट किस्से से हट जाएं किस्से के बाहर यदि जाएं सो दीज स्टोरीज आर डीपली रिवीलिंग रिवीलिंग मतलब दिखाती हैं दर्शाती हैं टू रिवील माने दिखाना दर्शाना दे डीपली रिवील वॉट स्पिरिट काल उस समय की जो भावना थी उसको दिखाती हैं। किस समय की भावना यह सब कहने का मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि उस समय चीन में आर्ट को किस भावना से लिया जाता था आर्ट को कितना महत्वपूर्ण माना जाता था यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट दैट द आर्ट वॉज गिवन इन दोज डेज द स्पिरिट इन विच इट वॉज कंसिडर टू कंसिडर मतलब मानना स्पिरिट मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए यहाँ पे स्पिरिट यानी आत्मा नहीं स्पिरिट मतलब कुछ और नहीं यहाँ पे स्पिरिट का मतलब होगा भाव अर्थ किस भावना में आपने लिया है किस अर्थ में लिया है हम लोग हिंदी में कहते हैं न कि यार मेरी बात को सही स्पिरिट में तो लो तुम गलत स्पिरिट में ले रहे हो यहां स्पिरिट का अर्थ होता है गलत भाव में ले रहे हो गलत अर्थ में ले रहे हो सो so, यहां यही मीनिंग है कि यू कैन अंडरस्टैंड इन वॉट स्पिरिट द आर्ट वॉज कंसिडर्ड द आर्ट वॉज टेकन सो यू कैन अंडरस्टैंड इन वॉट स्पिरिट the art was considered taken in those days contrast this story contrast karna tulna karna Ab kahani tulna dusri kahani se contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted अब इस कहानी को आप दूसरी कहानी से तुलना करें कंट्रास्ट करना मतलब तुलना करना तुलना करना अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर एक और पेंटिंग से इसकी तुलना करो एक ऐसे पेंटर के बारे में जो ड्रैगन की आंख नहीं बनाता था उस पेंटिंग में जिसमें ड्रैगन वो बनाता था और ड्रैगन की आंख नहीं बनाया He वुड नॉट ड्रॉ वो नहीं बनाएगा The eye of a dragon he had painted. है खुद ने dragon बनाया Dragon आप समझते हैं ना एक China को भी कहते हैं dragon. एक तरह का uh, animal. उसकी आंख पेंटर ने तो पूरी पेंटिंग बनाई ड्रैगन बनाया बड़ा अच्छा ड्रैगन बनाया पर उसकी आंख नहीं बनाई another स्टोरी अबाउट अनदर पेंटर और क्यों क्यों नहीं बनाया उसने फॉर फियर इट वुड फ्लाई ऑफ द पेंटिंग इस डर से कि ये पेंटिंग से वो आंख न उड़ जाए कैसी कैसी कल्पना इट्स ऑल इमेजिनेशन रिमेंबर लेकिन उस समय की परंपरागत शिक्षा में चीन में ऐसी बातें बहुत थी और इसके पीछे गुरुओं को शिष्यों को जो शिक्षा देनी होती थी उसमें बड़ी मदद मिलती थी तो so ये एक और हिस्टोरियन एक और पेंटर की बात हो रही है जो ड्रैगन में आंख केवल इसलिए नहीं बनाया कि उसको डर था कि आंख बनाऊंगा और आंख उड़ जाएगी फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ पेंटिंग फॉर फियर मतलब डर के कारण विथ ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स ट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग सो दथाली कि ये जो ड्रैगन वाली कहानी इसकी तुलना करिए पश्चिमी पेंटिंग से वेस्टर्न पेंटिंग से मेरे अपने नेटिव फ्लैंडर ने मेरे अपने नेटिव फ्लैंडर फ्लैंडर एक जाति है पश्चिमी यूरोप की एक जाति है जाति मतलब कास्ट सिस्टम जैसी जाति नहीं परिक्षेत्र के रहने वाले लोगों को फ्लैंडरर्स कहते थे so ये फ्लैंडर्स के द्वारा जो पश्चिमी यूरोप ने जो पेंटिंग बनाते थे उससे इसकी तुलना करो पुराने ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई वुड फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग और मैं उस पेंटिंग की बात कर रही हूं जो पश्चिमी जगत की फ्लैंडर्स के द्वारा बनाई गई है और उसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग दैट मींस प्रतिनिधित्व करने वाली पेंटिंग सो so, मैं उस पेंटिंग से इसकी तुलना कर रही हूं